हैप्पी होली टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर. मेरे सारे सब्सक्राइबर को बहुत बहुत शुभ हो ये होली. तो चलिए आज बनाते हैं गुजिया. होली है तो गुजिया तो ज़रूरी बननी है. तो आज गुजिया के लिए हम मावा भी घर पे ही बनाएंगे, घर पे ही प्रिपेयर करेंगे. बहुत ईजी होता है. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. आज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, पहले हम वीडियो ही स्टार्ट कर लेते हैं. यहाँ पे लिया है मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में 2 लीटर दूध. आप कढ़ाई बड़ी ही लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसे आप कढ़ाई में करेंगे तो लगता नहीं है. और कढ़ाई का जो तला है वो हैवी होना चाहिए उसके लिए. और इसे मैं हाई फ्लेम पे पहले मैं बॉईल कर लूँगी मिल्क को, क्योंकि मावा आजकल बाहर प्योर नहीं मिलता और सभी की शिकायत रहती है. और घर पे मावा बनाना बहुत ईजी है, ये बात आप समझ लीजिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है. हाँ, टाइम लगता है इसमें, 2 से 2.5 घंटे में बनता है. जैसे 2 लीटर दूध का मैंने बनाया था तो मुझे पूरे 2 से 2.5 घंटे के बीच में टाइम लगा था. तो अगर आप थोड़ा मावा बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाया था, थोड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 1 लीटर दूध का भी बना सकते हैं. आई थिंक वो 1 घंटे या 1.25 घंटे में बन जाएगा. और उसमें आपको बहुत ज़्यादा उसे चलाना भी नहीं होता है. जस्ट इसमें एक बॉयल आया था, मैंने इसे स्पैचुला से चला दिया है. और जो इसके कॉर्नर्स पे जो ये चिपक रहा है मिल्क, इसे भी मैं स्क्रैच कर रही हूँ स्पैचुला के हेल्प से. इस टाइप से आपको ये करना है. जो भी इसमें मलाई बन रही है वो आपको मिक्स करनी है इस मिल्क के साथ, जस्ट इतना करना है. बस बीच बीच में आके आप 10 मिनट्स के बाद आप इसे मिक्स कर देंगे तो दूध बाहर भी नहीं निकलेगा और ये लिटरली बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाएगा. अगर आपके पास टाइम है और आप वहां खड़े होके बना सकते हैं तो आप वहां खड़े होके इसे हाई फ्लेम पे भी बीच बीच में करके हाई फ्लेम कर दीजिए और उसे मिक्स कर लीजिए तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा. लेकिन क्यों इसको टाइम इतना देना, जस्ट इसे सेम गैस पे रख दीजिए और ये अपने आप ही कड़ कड़ के इतना गाढ़ा हो जाएगा कि आपका ये मावा बन के तैयार हो जाएगा. और ये देखिए बातों ही बातों में आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा थिक हो गया. और इस स्टेज पे आके मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था. मुझे लग रहा था कि इजीली ये मावा बन जाएगा तो मैंने इसे हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए इसका देखिए मावा ऑलमोस्ट बन गया है. इसे मैंने और गाढ़ा कर लिया था. इस स्टेज तक आपको इसको कुक करना है और इसके बाद गैस ऑफ करके इसे ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा. और एक चीज़ और कीजिएगा, इसे कढ़ाई में से निकाल के किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका वेसल है, जो कढ़ाई है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और हमने इसे कुक कर लिया है और ये नीचे भी लग जाता है. तो इस स्टेज पे आके जब आपको लगे कि ये ऑलमोस्ट बन गया है, अब आप इसे एक साइड निकाल लीजिएगा. मावा से आप बहुत सारी और चीज़ें भी बना सकते हैं. तो हमारा मावा बन के तैयार है, इसे तो हम एक साइड रख देते हैं ठंडा होने के लिए. ये देखिए मावा मेरा ठंडा हो गया था. मैंने इसे एक रात पहले बना के रख दिया था मावे को और ये हमारा बहुत ही बढ़िया मावा बना था. अब जब मैंने इसका कूर बनाया था गुजियों के लिए तो मुझे इसे बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना पड़ा था, जब नॉर्मल टेम्परेचर पर किया था इसको. और इसको मैंने कढ़ाई में चला के इसमें जो भी मुझे डालना था कूर के लिए वो डाल के मैंने गुजिया बना ली थी. तो गुजिया के लिए अब हम बनाते हैं डो. डो बनाने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ मैं 2 कटोरी मैदा. क्वांटिटी मेजरमेंट ध्यान रखिएगा, बहुत कम क्वांटिटी में आज आपको गुजिए बना के दिखा रही हूँ इस वीडियो में, जिससे कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा नहीं कुक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें कुकिंग नहीं आती है, वो भी इस वीडियो को देख के गुजिया ईजिली बना पाएंगे. तो यहाँ पे 2 कटोरी मैंने मैदा ली थी, उसमें 1/2 कटोरी से 2 स्पून ज़्यादा मैंने घी लिया है. और देसी घी आप कोशिश कीजिएगा मेल्ट वाला ले, मतलब बहुत ज़्यादा मेल्टेड नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप स्पून से उसे टपकाएं तो वो टपक जाए. मैं इसलिए आपको हर एक चीज़ क्लियर बता रही हूँ कि जिससे अगर आप गुजिया बना रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. मेरा आज ये वीडियो देखने के बाद मैं चाहती हूँ कि आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी जो गुजिया एकदम परफेक्ट बन के आए. तो यहाँ पे हाथ से बहुत अच्छे से मसलते हुए मैं घी को मैदा के साथ मिक्स कर लूँगी. और ये जो घी है ये हमारा गुजिया में मोमन का काम करता है. और यहाँ पे ये देखिए हम मुट्ठी बांध के, आपको लग रहा होगा मैदा में मैंने वाटर ऐड किया, नहीं, घी में ही हमारी मैदा ऐसा लग रहा है गुथनी स्टार्ट हो गई है. अब बारी आती है एक और इम्पॉर्टेंट टिप की. यहाँ पे हम वाटर जो यूज़ कर रहे हैं बहुत थोड़ा यूज़ कर रहे हैं. हर कोई अपनी वीडियो में बोलता है आपको बहुत थोड़ा सा वाटर लगेगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो थोड़ा वाटर भी आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना है. मतलब 1 स्पून से भी कम, थोड़ा सा, जैसे होता है ना हम छिड़काव कर देते हैं किसी चीज़ पे, जस्ट छिड़काव करते हुए आपको आटे को गूंथना है. आपको जो वाटर है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना है. एक साथ तो वाटर आप इसमें डालिएगा भी मत बिल्कुल भी. स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार ज़रा ज़रा सा वाटर डाल रहे हैं तो आ ही नहीं रहा है एक साथ. हाँ जी, ऐसा होगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा वाटर करके ऐड करेंगे तो आपका जो आटा एकदम परफेक्ट मलेगा और एंड रिजल्ट भी आपका एकदम परफेक्ट आएगा. और ये देख रहे हैं आप,
वीडियो में कि मैंने थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते हुए आटे को गूंथा है, और बाद में आटे को बहुत ज़्यादा आपको मसलना भी नहीं है, जस्ट हल्का सा उसको एक साथ ला के और कवर करके रख दीजिएगा 10 से 15 मिनट्स के लिए। और अगर आप ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है वो रेस्ट कर रहा है, इसे रेस्ट करने देते हैं 10 से 15 मिनट्स के लिए। और एक साइड हम अब कूर की तैयारी भी कर लेते हैं। कूर जो होता है वो फिलिंग है जो हम उसके अंदर भरेंगे, मतलब मावा की और ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग होती है, उसे हम कूर बोलते हैं। अब आपके में क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने उसके लिए ले लिया देसी घी, और उसमें ऐड करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसमें है काजू, बादाम और हमारे थोड़े से पिस्ते हैं, और इसके साथ यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चिरौंजी। चिरौंजी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गुजिया के अंदर, तो ये तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। इसे मैं लो फ्लेम पे भून लूँगी, रोस्ट कर लूँगी, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा इसका कलर हो जाए आपको उस लेवल तक आपको इसको रोस्ट करना है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है ब्राउनिश सा सारी चीज़ों पे। इसे मैं एक साइड निकाल लूँगी, और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी एक और इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से बाइंडिंग मिलेगी हमारी कूर को, हमारी फिलिंग को। उसके लिए यहाँ पे ऐड किया 2 से 3 टीस्पून सूजी। सूजी क्या होती है, सूजी ना मावा को होल्ड कर लेती है जिससे कि वो वहाँ पे फैलता नहीं है और वो हमारी जो गुजिया है वो फटती नहीं है। तो सूजी तो आप ज़रूर ऐड कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम गुजिया बना रहे हैं तो। और इसे भी मैं स्लो फ्लेम पे विदाउट घी भून लूँगी। यहाँ पे मैंने और घी ऐड नहीं किया था, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उसी सेम कढ़ाई में मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ, और इसका कलर बिल्कुल मावा के कलर जैसा हो जाएगा। आपको उस लेवल तक इसको रोस्ट करना है और जला मत दीजिएगा, बस इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और ये देखिए हमारी सूजी का कलर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मावा यहाँ पे ऐड कर दिया है, और एकदम परफेक्ट हमारी सूजी बन के तैयार हो गई है। इसे भी मैं साइड निकाल लूँगी, और इसे इसके साथ ही मैं यहाँ पे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे वो भी ऐड कर दूँगी। और सारी ही चीज़ें क्योंकि मैं कूर इसी के अंदर बनाने वाली हूँ तो मैंने यही ऐड कर दिया है एक बाउल में। और अब मैं यहाँ पे मावा रोस्ट कर रही हूँ, तो मावा की क्वांटिटी आपको मैं बता देती हूँ। अगर आप सूजी मावा की गुजिया बना रहे हैं तो मावा आप थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा, मतलब अगर 1 चम्मच आप सूजी ले रहे हैं तो उसमें आप 2 चम्मच मावा लीजिएगा, मतलब मावा आपका डबल ही होना चाहिए जितनी आपकी सूजी है। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच सूजी ली थी तो उसके साथ यहाँ पे मैंने डबल मावा लिया है, मतलब 8 चम्मच मैंने इसके अंदर मावा लिया है जो मैंने होममेड बनाया है। और इसे अब मैं बहुत अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर लूँगी, गरम गरम मावा है, और मावे को आपको इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा बस गरम जो आपका कढ़ाई है उसके अंदर ऐड करके उसे हल्का सा सॉफ्ट करके आप ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसे बहुत अच्छे से कुक कर चुके हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ देसी खांड, यहाँ पर मैं चीनी की जगह देसी खांड ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा हम लोग शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, या तो हम जैगरी पाउडर यूज़ करते हैं या फिर हम देसी खांड यूज़ करते हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे देसी खांड यूज़ किया। आप चाहें तो इसी क्वांटिटी में आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, उसे पीस के भी ले सकते हैं और उसे आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा कूर बन के तैयार हो गया, इसे एक साइड रख देते हैं, और आप इसे इस टाइम पे टेस्ट करके भी देख सकते हैं, अगर आपको मीठा कुछ कम ज़्यादा लग रहा है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। सारी प्रिपरेशन हो गई है, अब देख लेते हैं अपने डो को। हमारा डो एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है, और अब मैं इसका क्या करूँगी, हाथ से थोड़ी देर मसलूंगी जिससे कि और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। 2 इसकी मैंने बाउल्स बना ली हैं बड़ी बड़ी सी, मेरे डो है इसमें 13 to 14 गुजिया बन के तैयार हुई थी। तो अगर थोड़ा ही मटेरियल बनाना चाहते हैं तो इस क्वांटिटी से आप बनाएंगे तो एकदम आपकी 13 से 14 गुजिया बन के तैयार हो गई। इनकी मैंने लोई तोड़ के एक साइड रख लिया है, और लोई को आप कवर करके ही रखिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी अगर उसको हवा लगेगी हल्की फुल्की भी। और इसे मैं बेल लूँगी, बेलने के लिए आपको ना तो इसमें घी लगाना पड़ेगा और ना ही आपको इसमें कोई मैदा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मोमन इतना है कि आराम से स्ट्रेच भी हो जाता है और आराम से सिक जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे एक मोल्ड के ऊपर रख लिया, जो गुजिया बनाने वाली आती है मोल्ड मैंने उसके ऊपर रख लिया, और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ अच्छे से वाटर। वाटर बहुत अच्छे से लगाइएगा इसके कॉर्नर्स में जिससे कि ये इजिली चिपक जाए, कढ़ाई में जाके फटे नहीं। और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर कूर भरा है, कूर भी मैं थोड़ा कम ही भर रही हूँ। तो मैं छोटी छोटी स्टेप्स हैं, टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम गुजिया बना रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं मेरी वीडियो देख के, तो प्लीज़ सारी बातों का ध्यान रखिएगा।
गुजिया आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना तो खाने में बुरी लगेगी और कढ़ाई में जाके फटेगी भी नहीं। और ये देखिए अच्छे से इसे मैंने प्रेस कर लिया था और इस टाइप से हमारी ये शेप बन के आ गई। और सारी ही गुजियों को मैं इस टाइप से भर के एक साइड रख लूँगी। एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, कभी भी गुजियों को लिटा के मत रखिएगा भरने के बाद, हमेशा खड़ा करके रखिएगा और थोड़ी देर उनको ढक के छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही फ्राई कीजिएगा। और गुजियों को एक साथ भरने के बाद ही फ्राई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक गुजिया भरी और डाल दी, दूसरी भरी और डाल दी, क्योंकि गुजियों को सिकने में टाइम लगता है, 10 से 5 मिनट तो लगते ही है कढ़ाई में जाने के बाद। और एक साथ अगर आप गुजिये डालेंगे तो उनका टेम्परेचर भी सही रहेगा। और यहाँ पे इतना सा कूर भी हमारा बच गया था, तो इससे आप दोबारा गुजिया भी बना सकते हो और ये ऐसे खाने में भी बहुत यम्मी लगता है, तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। और एक साइड मैंने यहाँ पे ऑयल भी हीट होने रख दिया था, ऑयल हमारा बहुत अच्छे से हीट हो गया। ऑयल के टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना होता है जब आप गुजिया उसके अंदर डाल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं होना चाहिए जो भी आपका ऑयल है। जैसे मेरा देख रहे हैं आप, ऑयल में बहुत ज़्यादा बबल आ रहे हैं, इतने ज़्यादा बबल्स नहीं आने चाहिए आपके ऑयल में। ऑयल का टेम्परेचर आप स्लो कर दीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा। आप देख रहे हैं जो पहली वाली गुजिया मैंने इसके अंदर ऐड की थी, उसके ऊपर बबल्स टाइप में आ गए हैं, वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गर्म तेल में उसे सबसे पहले डाला था, तो उसके ऊपर बबल्स आ गए हैं। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिप्स हैं, जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी गुजिया कभी ख़राब नहीं होगी। और इसको बहुत ज़्यादा मूव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप हल्का सा ही इसे स्पैचुला को इसके चारों तरफ भी घुमाएंगे तो आपकी गुजिया इवन कुक हो जाएगी। और अगर ये आपको लग रहा होगा कि गुजिया ना एक साइड ही बैलेंस हो जाती है, कई बार एक साइड ही गिरती रहती है, दूसरी साइड से वो कुक नहीं हो पाती, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। स्पैचुला को पलट के गुजिया को अच्छे से कुक कीजिएगा दोनों साइड से, मतलब दोनों हर साइड से आपकी जो गुजिया है वो इवन कुक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा कढ़ाई के ऊपर कि आपकी गुजिया कहीं एक साइड से कुक नहीं हो तो नहीं हो रही है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और एक और टिप, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी एक गुजिया आपकी फट रही है या फटने वाली है, तो उसे आप प्लीज़ कढ़ाई में से हाथ के हाथ निकाल लीजिएगा और उसको अलग से कुक कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जो आपकी कढ़ाई है वो क्लीन रहेगी और आपकी और गुजिया भी फटने का डर नहीं रहेगा। तो ये देखिए हमारी बढ़िया सी गुजिया बन के तैयार हो गई हैं, एकदम परफेक्ट गुजिया बनी थी। इस टाइम आपको कलर इनका अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब ठंडी हो गई, देखिए ठंडी होने के बाद तो इनका कलर बहुत ही ऑसम आया था और खाने में भी बहुत ही बढ़िया बनी थी। ये रेसिपी मेरे कहने से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी अच्छी अच्छी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाऊं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो के रीच में आ पाएँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, एकदम परफेक्ट गुजिया बनी है, अंदर से भी कोई कमी नहीं थी इस गुजिया में, ना तो खाने में और बनने में भी। अगर आप फर्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर मेरी रेसिपी से आपको कुछ हेल्प हुई है। मिलती हूँ आपसे और अच्छी न्यू रेसिपीज़ के साथ, साथ के साथ अपनी इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।